नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय ऐसे हालात हैं कि वहाँ पे कोई भी सच बोलता है तो उसको उठा लिया जाता है। मतलब एक तरह से वो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में उनका नाम लिख दिया जाता है। दूसरा, अभी मैं जो आपको वीडियो इसमें दिखाऊंगा, इस वीडियो में आप देखेंगे कि मतलब पाकिस्तान में कुछ भी होता है, कुछ भी, तो उसमें भारत का नाम लिया जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक मौलवी का वीडियो वायरल हुआ था, एक चीनी लड़की के साथ डांस करते हुए। आप इस वीडियो में देखेंगे कि इस मौलवी से, मुफ्ती से जब पूछा गया कि आप ऐसे लड़की के साथ में डांस कर रहे हो, आपकी वीडियो वायरल हो रही है, तो भाई साहब बोल रहे हैं कि ये मैं नहीं हूँ और ये किसी मतलब भारतीय ने ऐसी ने मेरे मेरा चेहरा लगा के ये वीडियो दिखाई है, लेकिन ये है और कोई। खैर, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। पिछली वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला, उसके लिए थैंक यू, दिल से धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी मुफ्ती हाँ, साहब कि ये जो नई वीडियो आपकी वायरल हुई है जिसमें आप एक लड़की जो के शक्ल से चीनी लगती है उसके साथ आप डांस कर रहे हैं, मुफ्ती साहब ये क्यों कर रहे हैं आप? क्या चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे या फिर लद्दाख पर चीन का जश्न मना रहे थे आप डांस करके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा, बात यह है कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हकीकत की बात करूं, सच्चाई की बात करूं। मैं खताकार ज़रूर हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब तक की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे और सोशल मीडिया पे जितनी गुफ्तगू है, लोग मुझसे इसलिए प्यार करते हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी ने हमेशा हकीकत की बात की और सदाकत की बात की। मैं हल्फन ये कह सकता हूँ कि ये जो लिबास मेरा तो मुफ्ती दिखाया साहब गया डांस है, हो रहा है, इस हकीकत तरह है, की सदाकत है, बदतमीज़। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। ये चीनी खातून की तरफ डांस किया जा रहा है, ये हकीकत है, सदाकत है, ये क्या है? मैं यही बात तो कह रहा हूँ ना कि मोहतरमा, बात यह है कि मैंने हमेशा हकीकत और सदाकत की बात की। मुफ्ती अब्दुल कभी गलत बयानी नहीं करता। सूरत हाल ये है कि जो शक्ल दिखाई गई है और जो कमीज़ दिखाई गई है, मैं हल्फन कह सकता हूँ कि आज तक इस रंग की कमीज़ न मैंने सिलवाई और न मैंने पहनी। जो लोग मुझे हमेशा देखते हैं उनको मालूम है कि मुफ्ती अब्दुल कभी बड़े खुले कपड़े पहनते हैं, इस तरह के टाइट किस्म के कपड़ा, इस किस्म की टाइट किस्म की कमीज़ मैंने आज तक नहीं पहनी। तीसरे नंबर पे मैं एक बात बड़ी जुर्रत के साथ कहना चाहता हूँ, ये जो तस्वीर दिखाई गई है या वीडियो दिखाई गई है, ये कहाँ से इसका आगाज़ हुआ? मेट्रोपोल एन के नाम से लंदन के अंदर जनाब एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांग ली, हम्माद साहब उनका नाम है। उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि हमारे मुलाज़मीन में एक बच्चा हिंदू है, क्योंकि पिछले दिनों के अंदर जब बाबरी मस्जिद की जगह के ऊपर मंदिर बन रहा था तो इंडिया के बहुत से चैनल्स के ऊपर, जिसके अंदर 09 उनका एक चैनल है, एक भारतीय न्यूज़ चैनल है, उस पर मैं बड़ी कसरत के साथ आ रहा था और मैं ये बात कह रहा था कि जनाब मोदी सरकार ने इस वक्त जो जुल्म रखा है, बहरहाल, और इससे दो दिन पहले आपने देखा, पूरी कौम ने देखा। एक मिनट, एक मिनट मुफ्ती साहब, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। एक मैं मुफ्ती साहब, एक मिनट, आपकी तरह मेरे में इतनी समझबूझ शायद नहीं होगी, आप मेरे से ज्यादा समझदार है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप कहना चाह रहे हैं कि वीडियो आपकी नहीं है, ये कोई और है जो आप जैसा दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, मैं आप देख सकते हैं इसके अंदर तीन चीज़ें बड़ी वाजी हैं। इस रंग की कमीज़ मैंने आज तक कभी नहीं सिलवाई, ये इतने तो बहुत टाइट ज्यादा कपड़े आपसे मैंने मिलता कभी है। नहीं पहने। और तीसरे नंबर के ऊपर जनाब एक खोपड़ी एक जगह पे खड़ी है और नीचे जिस्म हरकत कर रहा है, ये किसकी शरारत है? जिनकी शरारत है उसका भी पता चल गया कि ये जनाब एक लंदन के अंदर जनाब मेट्रोपोल एन के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने इसका आगाज़ किया। रात को पौने 11:15 बजे के करीब ये जनाब वायरल जब हुई, तो रात को 2 बजे मैं हल्फन कह रहा हूँ, उनका मुझे टेलीफोन आया, उन्होंने मुझसे माफी मांगी। मुफ्ती साहब, आप अपने नाम के आगे मुफ्ती लगाते हैं और बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं, तो बहुत से लोगों की दिल आजारी होती है जब कोई मुफ्ती या कोई मौलाना या कोई आलम दीन, कोई जाकिर इस तरह की हरकत करे, आप इस बात से तो अग्री करते हैं? क्योंकि आपको लोग एग्जाम्पल समझते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं अपना किबला दुरुस्त करने के लिए, अपने किरदार को बेहतर करने के लिए। मोहतरमा, एक तो आपकी आवाज़ दरमियान में कुछ आती है, कुछ कट जाती है। अब आपने जो बातें की, मैं उस बात जीवन में 2 बातें अर्ज करता हूँ। मुफ्ती अब्दुल कवी के अब तक 1900 से ज़्यादा अहम तरीन फ़िकही मसाइल पर गुफ्तगू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह एक जुमला मुफ्ती अब्दुल कवी का नहीं है जो किसी मकतब फ़िक्र के यहाँ काबिल गिरफ्त हो। मुफ्ती अब्दुल कवी से प्यार करने वाली उम्मत मुस्लिमा है, मुफ्ती अब्दुल कवी से जनाब नौजवान नस्ल प्यार करती है, मोहब्बत करती है। यकीनन मुफ्ती अब्दुल कवी को बहसियत मुफ्ती होने के ऐसा किरदार अदा करना चाहिए कि लोग मेरे मोहब्बत से, मेरे प्यार से, मेरी दीनी गुफ्तगू से, मेरी रिहानी रूहानी गुफ्तगू से इतना सबक हासिल करें कि मैं उनके लिए एक आइडल हूं और आइंदा भी आइडल रहूं।
अब आपने कहा कि ये दुश्मनी क्यों हो रही है, दो वजह से हो रही है। मैंने पहले भी कुछ अर्ज किया कि जनाब इंडिया के दो चैनल जो है वो मुझे 5 अगस्त से ले रहे हैं, जब से उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह के ऊपर जनाब एक मंदिर बनाया, और वो मुझे कह रहे हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी खान आप ये बताएं कि एक हमारा हमसाया मुल्क है पाकिस्तान, उसके अंदर एक मातम की कैफियत है, इसकी वजह क्या है। मैंने कहा मोदी सरकार का जो जुल्म है उसने हुकूमत हिंद को पूरी दुनिया से, मैं ये अगर कहूँ कि वो एक तरफ है और पूरी इंसानियत एक यानी तरफ है। भारत आपके खिलाफ इतनी खतरनाक साजिश कर रहा है कि आपके हमशक्ल को चीनी औरत से नचवा रहा है, बकायदा वीडियो बनाइए नाचते हुए आपके हमशक्ल को लेके, कहां से ले लिया उन्होंने हमशक्ल? बल्कि आपने इस तरह भी कहा कि पता नहीं, आप कह रहे बॉडी हिल रही है, मेरा चेहरा नहीं हिल रहा, इसमें तो चेहरा भी हिल रहा है मुफ्ती साहब, नाजरीन आप भी देखिए। मोहतरम डॉक्टर साहबा, ये आपके चैनल की तवस्सुल से मैं कौम को खुशखबरी सुना रहा हूँ कि इसी मोहतरमा से हमारे जो इस्लामाबाद के जनाब नौजवान है, जब उन्होंने रब्ता किया तो इसकी इंटरव्यू चीनी जबान में हमारे पास आ चुका है कि मुफ्ती अब्दुल कवी से आज मेरी पहली मुलाकात है, मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ हमारी पहले कोई जनाब मीटिंग नहीं हुई, मुफ्ती अब्दुल कवी इस प्रोग्राम में शामिल नहीं है, हत्ता कि उन्होंने नाम भी बता दिया उस शख्स का जिसको यहाँ बाडी की सूरत में दिखाया गया है। चेहरा मेरा दिखाया गया है, बाडी किसी और की है, चोरी 2 बजे से पकड़ी गई, एक इस तरह की कमीज जो है मैंने आज तक नहीं पहनी इस रंग में, इतने टाइट कपड़े मैंने आज तक नहीं पहने, ये दुश्मनी मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ क्यों की गई? एक वो बच्चा जो हिंदू बच्चा है और उस चैनल के अंदर है जिसके अंदर नाम है मेट्रोपोल एन के नाम से, जिसके मालिक का नाम ही मैं बता रहा हूँ मोहतरम हम्माद साहब उनका नाम है, मैं हल्फन कह रहा हूँ मोहतरमा डॉक्टर साहबा, उसी रात को 2 बजे उनका मुझे इंग्लैंड से टेलीफोन आया कि हमारे यहाँ एक हिंदू बच्चा मुलाजिम है, ये उसकी ये दुश्मनी है। अच्छा मुफ्ती साहब एक मिनट चले, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं आपकी बात कि आपके खिलाफ इस हद तक बड़े लेवल पे साजिशें होती हैं, आलमी साजिशें होती हैं, इतनी तो वैसे मेरे ख्याल से मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ भी साजिशें नहीं होती जितनी आपके खिलाफ होती होंगी, चले मान लेते हैं कि इतने लोगों का आपसे दुश्मनी है, अमेरिका आपके खिलाफ है, इंग्लैंड में वीडियोज बन रही है, पता नहीं भारत में आप कह रहे हैं कि वहां के भी लोग आपके खिलाफ है, तो मुफ्ती साहब आप खवातीन से मिलना छोड़ दें, आप मिलना ही छोड़ दें ना। आज के बाद मुफ्ती अब्दुल कवी किसी मोहतरमा के साथ सेल्फी नहीं बनाएगा, मुफ्ती अब्दुल कवी किसी मोहतरमा के साथ तस्वीर नहीं बनाएगा, हत्ता के डॉक्टर फिजा साहबा के अलावा मुफ्ती अब्दुल कवी किसी मोहतरमा के साथ बतौर जो एंकर पर्सन होंगी मोहतरमा उनके साथ गुफ्तगू नहीं करेगा, इंटरव्यू नहीं देगा। ये 3 सितंबर को हमने उम्मत के सामने, इंसानियत के सामने हमारा ये बयान आया और पूरी इंसानियत के सामने किया। फिर उसके कुछ दिन के बाद जनाब इटली के एक मोहतरमा ने मुफ्ती अब्दुल कवी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, पूरी उम्मत ने देखा, पूरी इंसानियत ने देखा। मुफ्ती अब्दुल कवी ने इंडिया के चैनल्स के ऊपर बैठ के इंडिया को चैलेंज किया कि मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि मोदी सरकार के हवाले से हम पाकिस्तान में रिफरेंडम कराते हैं, आप इंडिया के अंदर मोहतरम इमरान खान साहब के हवाले से रिफरेंडम कराएं, पता चल जाएगा कि जनाब आपकी कौम कितनी प्यार करती है इमरान खान से और किस कदर नफरत है पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ मुसलमानों में नहीं, क्रिश्चियन कम्युनिटी इस वक्त आपसे नाराज है, सिख बिरादरी आपसे नाराज है, इस वक्त मोदी सरकार ने कहां निकल गए इमरान खान साहब और मोदी की तो बात ही नहीं हो रही ना, बात तो आपकी हो रही है इस खातून की और इससे आप डांस कर रहे हो, पहली वीडियो नहीं है, मैंने बताया कंदील बलोच के साथ वीडियो थी आपकी, उसके बाद हरीम शाहिर ने आप पे बड़े इल्जाम लगाए थे, अब ये खातून है। अच्छा चले फिर एक काम करते ना, आगे चलते हैं, फिर आप आज एक वादा कर ले पूरी कौम के साथ, ऐसे नहीं चलेगा कि प्लेटफॉर्म से बोल न्यूज के प्लेटफॉर्म से कि आप आज के बाद किसी खातून के साथ ना सेल्फी खिंचवाएंगे ना वीडियो बनवाएंगे, ताकि आपको इस तरह के सवाल बर्दाश्त ना करने पड़े, सुनने ना पड़े, सामना ना करना पड़े इस तरह की सिचुएशन का। मोहतरमा डॉक्टर फिजा साहबा, आपको मैं और आपके इस चैनल को गवाह बना के अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि हम 3 सितंबर को ये फैसला कर चुके हैं, आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने तमाम मानने वालों को, तमाम जानने वालों को, तमाम मोहब्बत करने वालों को, ख्वातीन हजरात को मैं ये खुशखबरी सुना रहा हूँ कि आज के बाद मुफ्ती अब्दुल कवी का न किसी मोहतरमा के साथ तस्वीर होगी, न सेल्फी होगी और न किसी ऐसे तकरीब के अंदर मुफ्ती अब्दुल कवी शामिल होगा, खा वो तकरीब जो है वो दीनी हो खा रूहानी हो, हाँ ऐसी तकरीब जिसके अंदर ख्वातीन भी हों और हजरात भी हों और मुफ्ती अब्दुल कवी उनसे बात नसीहत की बात करें। देखिए बात ये है कि शर पसंद अनासर को देखा जाए कि शर पसंद। तो दोस्तों पाकिस्तान में मतलब काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो वायरल हुआ था मुफ्ती का चीनी लड़की के साथ डांस करते हुए, तो इसी से रिलेटेड ये इससे बात की तो ये भाई साहब बोल रहे कि मैं हूँ ही नहीं, इस तरह की कमीज़ मैंने नहीं पहनी, आप इस वीडियो में देखें बॉडी कहीं हिल रही है, सर कहीं हिल रहा है, तो एक्चुअली क्या है आप भी क्लियर देख सकते हैं कि यही मुफ्ती था इस वीडियो में, ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहा है, इसकी बातों पर फिजा भी हंस रही थी बार बार। और सेकंड ये है कि दोस्तों इनके पाकिस्तान में कुछ भी होता है ब्लेम ये इंडिया को ही करते हैं,
पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, जैसे इनका कराची साइड डूब गया, बारिश के पानी में लबालब हो गया, तो इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया इंडिया पे लगाया कि ये सब इंडिया की ही साजिश है। भाई मुझे तो समझ में नहीं आता इंडिया की साजिश कैसे हो गई, बारिश मतलब इंडिया ने करवा दी, चलो ठीक है मान लिया इंडिया की साजिश है। दूसरा इन भाई साहब जो मैंने आपको कल वीडियो दिखाई थी, पाकिस्तान में शिया सुन्नी वाला जो वो सिस्टम चल रहा है, जो लड़ाई हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, उसमें भी मतलब भारत का हाथ बता दिया आपने गौरव भाई का। भाई चलो ठीक है उस पर भी मान लेते हैं। फिर उसके बाद में जो इनके जो जनरल है वो आसिम सलीम बाजवा, उसके करप्शन सामने आया। गौरव भाई ने तो सिर्फ बताया था कि ये मतलब इसके ये कंपनियाँ हैं, ये इनके रेस्टोरेंट हैं अमेरिका के अंदर, तो उसको भी ब्लेम इंडिया के ऊपर किया कि इंडिया हमारी आर्मी को मतलब लोगों की नज़र में नीचा दिखाना चाहती है। सेकंड उसके बाद अब ये ब्लेम इंडिया के ऊपर कि इंडिया वाले इस तरह की वीडियो मेरे खिलाफ़ दिखा रहे हैं। भाई समझ में नहीं आता, मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई बच्चा पैदा होता होगा तो भी ये लोग यही बोलते होंगे कि इसमें भारत का हाथ है। यार हृदय यार, और आपको कैसा लगा इस वीडियो में, क्या आपको मतलब कहना है, अपनी राय ज़रूर कमेंट में देना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप अभी आप चैनल पे पहली बार हैं या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार भाई सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।